एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है जेमिनी मंथ के, जेमिनी राशि वालों के लिए, नवंबर मंथ के लिए, ठीक है। इसमें देखेंगे करियर, लव, ओवरऑल एनालाइज करेंगे। जेमिनी यानी कि मिथुन, ठीक है। ओवरऑल देखेंगे नवंबर मंथ कैसा रहेगा। ये रीडिंग मून साइन, सन साइन, डेट ऑफ बर्थ, राइजिंग साइन सभी के बेसिस पर बनाई जाती है। सो आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर मुझसे पूछेंगे एक्यूरेसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में रहेगी, तो मुझे लगता है मून साइन से ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी आपकी कंप्लीटली चॉइस रहेगी, ठीक है। अगर आप लोगों को मैं ये भी चीज़ बता देती हूँ कि ये रीडिंग जनरल होती है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए सेम रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई डिफरेंस है इसलिए आपसे एक्यूरेसी मैच नहीं हो रही है। सो अगर आपको बार बार ऐसा लगे कि एक्यूरेसी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार अपनी कुंडली ज़रूर किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं। हो सकता है सैटर्न का पैटर्न या राहु की दशा कोई यहाँ वहाँ हो, जिसके कारण प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की दोनों के लिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हाँ लड़का लड़की जो है दोनों के लिए बनाई जाती है। थीटा पे ना फोकस करके एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर मंथ ओवरऑल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, दी मून। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें, दी मून का कार्ड क्लारिफाई करें। ओके, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जेमिनी राशि वालों, आप लोग थोड़े से परेशान और थोड़े से अपसेट होते हुए दिख रहे हैं नवंबर मंथ में। किसी तरीके की सडन एक्शंस ले सकते हैं जो आपके लिए थोड़े से लाइक ऐसे रह सकते हैं कि आप थोड़ा जिससे अपसेट हो सकते हैं। ये सडन एक्शन हो सकता है कि किसी तरीके की सडन आर्ग्यूमेंट हो सकती है, सडन तरीके से आप जो है जॉब स्विच करने के बारे में सोच लेंगे या कोई स्टेप ले लेंगे। पढ़ाई वगैरह और अपनी ज़िंदगी की लर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और क्रिएटिव भी होंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आइडियाज़ बहुत सारे आएंगे आपके पास, बहुत माइंड जो है स्ट्रांग हो जाएगा। स्टार्टिंग मंथ ऑफ नवंबर में माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग काम करेगा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट से आपने कुछ लेसन्स लर्न किए, जिसके कारण अपने जीवन को बदलने के डिसीजन को लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं उसको ठीक करने के बारे में नई नई चीज़ों को लर्न करते हुए और सीखते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है मिड ऑफ मंथ आप किसी प्रपोजल का या तो वेट कर रहे हैं या किसी का प्रपोजल रिजेक्ट खुद कर सकते हैं। कहीं तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी ज़िंदगी में लक बदलने का वेट कर रहे हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या कहीं हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के आने की भी अपेक्षा कर सकते हैं। कई हद तक मुझे एंड ऑफ दी मंथ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में थोड़े से कंफ्यूज या थोड़े से लो फील कर सकते हैं। स्ट्रेस, कहीं ना कहीं एंजाइटी आपके ऊपर हैवी होते हुए दिखाई दे रही है और अपने आप को लोनली बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक डिस्टर्बेंस में फील करते हुए या डिप्रेस या एंजाइटी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके की ऑफर का वेट करने के कारण आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले पोजीशन में जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपने आप को बहुत अपसेट, परेशान, एनजाइटी और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी से गुजारते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिविटी से दूर रहना इस महीने ज़्यादा बेहतर रह सकता है। आप जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं उसके लिए सब्र रखें, ताकि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ सके। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। अब ओवरऑल देख लेते हैं बिजनेस और करियर के मामले में कैसा रहेगा जेमिनी राशि वालों का नवंबर मंथ। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी राशि वालों के लिए नवंबर मंथ करियर और बिजनेस के हिसाब से कैसा रहेगा। तो मुझे करियर और बिजनेस के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि नवंबर मंथ आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में भरा होगा। एक साथ या तो बहुत सारे टास्क उठा लेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे, या काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक साथ जो है कुछ ऐसे ऐसे काम ले लेंगे जिसको लेकर कन्फ्यूजन आ सकती है। ये करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ और यार ना करूँ वाली दुविधा हो सकती है। थोड़ा सा आपके अंदर कन्फ्यूजन आती हुई दिख रही है और थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम ज़रूर देने की कोशिश करें, क्योंकि लग रहा है एक साथ इतना काम लेंगे जिसके कारण थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं मिड ऑफ नवंबर में। और यह हो सकता है कि कंपनी का एक साथ इतना प्रेशर आ जाएगा जिसके कारण खुद को एग्जॉस्टेड फील करेंगे। मुझे मिड ऑफ मंथ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत हो सकती है। पुरानी जॉब में या तो चेंजेस आ जाएंगे, या तो बिजनेस में बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा, या आप अपने आप के काम करने के और नज़रिए को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी चीज़ों में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख कर अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे।
एंड ऑफ नवंबर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पास चॉइसेस हो सकती है या काफ़ी हद तक आप जो है चुनाव ना कर पाने की दुविधा में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का इमोशनल पैटर्न हो सकता है, जो इमोशंस के कारण आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, यानी कि काम से यहाँ वहाँ भटक सकता है, करियर से या जॉब से भटक सकता है, फाइनेंसिस पे जो है मन नहीं लगता हुआ दिख रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पार्टनर या इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शन ज़रूर मिलेंगी, लेकिन उनको लेकर आप श्योर नहीं होंगे भरोसा करने के मामले में या डाउट करेंगे। अगर जॉब के हिसाब से भी देखा जाए तो जॉब में मुझे बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एंड ऑफ द मंथ आपके पास मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई चॉइस आ सकती है जिसको लेकर आप सोचेंगे कि क्या करें क्या नहीं करें। आप हो सकता है ऐसा सोचेंगे कि जॉब छोड़कर कहीं और ज्वाइन करें या इस जॉब में कैसे चेंजेस लाएं या कोई ना कोई नई नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिसको लेकर दुविधा और कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताए लव लाइफ कैसी रहेगी मिथुन राशि वालों के लिए। लव लाइफ कैसी रहेगी मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर मंथ। लव लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अवेकनिंग से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आपको खराटों की आवाज़ आ रही है तो वो मेरा छोटा सा पप्पी है जो नीचे सो रहा है, मेरे पैर पर सो गया है। उसे मैंने बहुत हटाने की कोशिश की पर उसे वहीं ठंडा लग रहा है तो वहीं सो गया है वो, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना अगर आवाज़ आ रही हो आपको। आई डोंट नो आपको आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये उसी के खराटे हैं, सो बेयर कर लो। और मुझे लव लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है आप अवेकनिंग से गुजरेंगे, आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत और न्यू बिगनिंग पे ध्यान देंगे, अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एंथुजियाज़म शुरुआत के मंथ में गेन करते हुए दिख रहे हैं। मिड ऑफ मंथ आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को काफ़ी लाइक क्लैरिटी से निकालते हुए दिख रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए और किसी तरीके के फैसले का निर्णय का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ईश्वर से आप वेट कर रहे हैं कि आपके जीवन में या तो जस्टिस आ जाए या आपके जीवन में जो भी चीज़ें गलत हुई है वो बैलेंस हो जाए। एंड ऑफ द मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लव लाइफ के मामले में थोड़े से बिट्रेयल फील करेंगे, आपको लगेगा कि आपको धोखा मिला है, आपके साथ चीट हुआ है, किसी ऐसे इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है जिस पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, ट्रस्ट इशूज़ और बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है डिस्टर्बेंस या एंजाइटी या अपसेट होते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। काफ़ी हद तक खुद को लोनली फील करेंगे और बहुत ज़्यादा सोच विचारों में घिरे रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं मिथुन राशि वालों के पार्टनर जो होंगे वो क्या फील करेंगे नवंबर मंथ में उनके लिए। आपके पार्टनर जो है काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रांगली अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपने काम पर और अपनी आपकी दूसरी प्रायोरिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम रहेगा नवंबर के स्टार्टिंग मंथ में, अपनी ज़िंदगी में अपने करियर पे अपनी दूसरी जो भी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हैं, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने की चाहत ज़रूर रहेगी बट कहीं हद तक मुझे इनिशिएट करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। मुझे मिड ऑफ द मंथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको कन्फ्यूजन से आपको लेकर कन्फ्यूजन से गुजरेंगे, किसी तरीके के डिनायल से गुजरेंगे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्टबन बिहेवियर मेंटेन करेंगे, आपकी बात समझने से इनकार कर देंगे, आपकी कोई बात को सुनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि दूसरे लोगों की बात सुनेंगे, गलत फहमी में कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं, गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों पर भरोसा करने की कोशिश, मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर भरोसा करने के चक्कर में आपके साथ कुछ गलत करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ अन्याय जाने अनजाने करेंगे, जिससे लेकर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनसे कोई रॉन्ग मतलब गलती से कोई रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं या दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर आपको ध्यान ना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे एंड ऑफ दी नवंबर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो है पर्सन वो किसी तरीके का बिट्रेयल फील करेंगे या हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरीके का उनको ऐसा लगेगा कि उनको आपने हर्ट किया है और आपको ऐसा लगेगा आपको इन्होंने हर्ट किया है, दोनों एक दूसरे को हर्ट फील करोगे, इनको हीलिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। कहीं ना कहीं ये अपने आप को थोड़ा सा परेशान और अपसेट करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है ये सडनली कुछ आपके बारे में ऐसा जानेंगे जिससे परेशान हो जाएंगे या किसी पर्सन पे जिन्होंने आग जिस पर इन्होंने आँख बंद करके भरोसा किया है वहाँ से इनको धोखा मिल सकता है। ओवरऑल इनकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है कि कन्फ्यूजन से घिरे रहेंगे और फिलहाल इनसे कुछ भी ज़्यादा उम्मीद रखना अपना मन खराब करने जैसा हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं हेल्थ के हिसाब से कैसी रहेगी जैमिनी राशि वालों का नवंबर मंथ। हेल्थ के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा महीना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पुरानी कोई बीमारी है उससे आप बाहर निकलेंगे, लेकिन सोच विचारों के कारण सर में दर्द या मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। सोच विचारों से बचे, जितना हो सके मेडिटेशन करें या हो सके तो पूजा पाठ में अपना मन लगाए, कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने जीवन में किसी तीसरे की हेल्प ले सकते हैं, हो सकता है कि आपको किसी तीसरे लाइक हेल्थ को लेकर किसी तीसरे की हेल्प लेकर आपकी आपकी सेहत में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हो सकता है मदर या नर्स या डॉक्टर की हेल्प से आप जो है अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं।
सो यूनिवर्स मुझे ये बताएं कि स्टडीज जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है जैमिनी राशि वाले, उनके नवंबर मंथ कैसी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। नई शुरुआत ज़रूर करेंगे, सोचेंगे यार चलो मेरा मन ये है भाई घूमना फिरना कर लें, एंजॉय कर लें, एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, मन यहाँ वहाँ भटकेगा, मन कहीं ना कहीं उड़ने का करेगा, दोस्तों के साथ बैठने का करेगा, कहीं ना कहीं स्टडीज़ पर फोकस आता हुआ नहीं दिख रहा है। स्टडीज़ को साइड रखते हुए, बुक्स को साइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं नवंबर मंथ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ही अलग चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा, इंटरेस्ट जहाँ होना चाहिए एग्ज़ाम पर ना होकर कहीं और ही आपका मेंटल जो है, आपका माइंड जो है कहीं और ढगमगाता हुआ दिख रहा है, आप खुद को परेशान करते हुए दिख रहे हैं। अपने जीवन में किसी तरीके की चीज़ को अच्छा होने के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसा वेट कर रहे हैं कि आपके जीवन में खुद ही जादू हो जाए और जादू से सब चीज़ें खुद ठीक हो जाए या खुद ही आपके एग्जाम्स हो जाए और खुद ही वहाँ पे अच्छे रिजल्ट आ जाए। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ी मेहनत आपको करने की ज़रूरत है। आप अपने काम का अपनी स्टडीज़ को पेंडिंग करते चले जा रहे हैं और आपके टेस्ट पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें हो सके तो, अपना मन जो है लगाने के लिए, माइंड डाइवर्ट नहीं हो इसीलिए अपने आप को हल्दी का टीका ज़रूर लगाएं। कंपटीशन में अच्छा रिजल्ट आए इसलिए हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे बताएं फैमिली लाइफ कैसी रहेगी मिथुन राशि वालों की नवंबर मंथ में। फैमिली में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लीडर वाली पोजीशन पर रहेंगे, आपको ज़्यादा सुना जाएगा, आपको ज़्यादा समझाया जाएगा या आपको वैल्यू दी जाएगी, थोड़ा सा आप अथॉरिटेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली में आप चाहेंगे कि आप ही के हिसाब से सब चीज़ें चले, वो वाली थोड़ा सा एटीट्यूड आ सकता है। मिड ऑफ मंथ आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशहाली या हैप्पीनेस देख सकते हैं, हैप्पी रहेंगे, सब लोग हैप्पी फील करेंगे, एनवायरमेंट पॉजिटिव होगा और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है चीज़ें अच्छी, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम थी, मनमुटाव था अगर आपके परिवार वालों के बीच में, तो उसमें थोड़ा सा सुधार आ सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। एंड ऑफ दी मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली में किसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड धोखा महसूस करेंगे, चीटिंग महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपका दिल तोड़ा है या आपको धोखा दिया है या किसी अपने पे आपने भरोसा करके कुछ दे दिया है, कर्जा दे दिया है, उधार दे दिया और वो आपको वापस रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको अपसेट होते हुए मैं देख पा रही हूँ एंड ऑफ दी मंथ। सो यूनिवर्स एडवाइस बताएं जैमिनी राशि वालों के लिए, एडवाइस क्या है नवंबर मंथ की। एडवाइस है अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को पीछे छोड़, आगे बढ़ने में ज़्यादा संकोच मत करो, अपनी बेटर लाइफ को चुनो, अपने आप को चुनो और आगे बढ़ो। अपनी ज़िंदगी में जितना पास्ट में देखोगे उतना अपने आप को परेशान करोगे, अपनी लाइफ पे, अपने बेहतर कल के पे ऊपर फोकस करो ताकि आपके जीवन में आप कुछ बेहतर हासिल कर सकें। यूनिवर्स मुझे बताएं जो सिंगल लोग हैं जैमिनी राशि वाले, जो सिंगल्स हैं जो मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनका क्या अपडेट रहेगा नवंबर मंथ में। जो भी सिंगल्स शादी के लिए चेक कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, तो उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी या जो भी ओवरऑल शादी के लिए चेक कर रहे हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस महीने, बट उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप बहुत सोच विचार करेंगे और कई हद तक मुझे दिख रहा है कि ये इस पे आपको सोच विचार या तो एक साथ दो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी या पास्ट और प्रेजेंट को आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव करने लगेंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी तो आप उस पे अगर फोकस करें तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, बट उसको लेकर सोच विचार करते हुए और किसी तरीके की वेटिंग पोजिशन बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर होगी बट कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज रहेंगे, आप किसी तरीके की लोनलीनेस से, एनजाइटी से और स्ट्रेस से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग मंथ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिंगल्स थोड़े सोच विचार करेंगे कि अकेली क्यों हूं या क्यों मेरी शादी नहीं हो रही है, वो वाले थॉट प्रोसेस में रहेंगे, अपने आप को बिना वजह ही परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यूनिवर्स मुझे पता है ऑब्स्टेकल क्या रहेगी जैमिनी राशि वालों के लिए नवंबर मंथ की। ऑब्स्टेकल ये रहेगी कि आप अपने आप पे कुछ जरूरत से ज्यादा ही स्टबन हो जाएंगे, अपने आप पे थोड़ा सा आइसोलेट कर लेंगे, थोड़ा सा अपने आप को जो है दूसरों के बारे में सोचने के लिए या दूसरों के सुनने में लगाएं, थोड़ा सा गुड लिसनर बनने की ज़रूरत है क्योंकि कभी कभी कोई पते की बात भी बोल सकता है, आपको किसी गुरु की ज़रूरत है, अपने आप को हो सके तो या तो माता पिता के एडवाइस के साथ ही कोई काम करे या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सलाह लेकर ही कोई भी काम करे, बिना वजह अपना मन खराब करने से बेहतर है कि किसी से बात करें, किसी इंसान से बात करके अपना मन हल्का करें, ठीक है। सो ये थी जैमिनी राशि वालों आप लोगों की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी। ब्रेसलेट बनवाना है हीलिंग पॉजिटिविटी के लिए तो अमित जी का नंबर डाल दिया, उन्हें कॉन्टैक्ट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उनका नंबर निकाल के उनसे बनवा सकते हैं। अगर आप लोगों को फ्री रीडिंग्स देखना पसंद है तो आप लोग मेरी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं, वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, उस पर लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फ्री रीडिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसके अलावा अगर आप लोग मेरा टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे आप अगेन चेकआउट करें, आपको मिल जाएगा वो कोर्स ज्वाइन करके आप भी टैरो सीख सकते हैं, ठीक है। सो सभी चीज़ों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया, आप जरूर चेकआउट करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।